अस्सलाम वालेकुम, मैं मौलमा शहनाज पटवेकर, अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम कटपट्टी इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल वाशी, यहाँ पर उर्दू कंपोजिट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। आज हम उर्दू में ग्रामर का बहुत ही नहायत ही अहम हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, वाहिद जमा। वाहिद जमा जो इंसान के जिंदगी में रोज़मर्रा इस्तेमाल में आता है, इसके बगैर हमारी रोज़मर्रा की जुबानदानी अधूरी होती है। हम सबसे पहले वाहिद जमा की तारीफ देखते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर वाहिद की तारीफ है, कोई भी एक इस्म वाहिद कहलाता है और जमा एक से ज्यादा इस्म जमा कहलाते हैं। कोई भी एक सिंगल इस्म रईस्म यानी नाउन या कोई भी चीज़, कोई भी एक सिंगल चीज़ वाहिद कहलाएगी और कोई भी एक से ज़ायद जो चीज़ें होंगी वो जमा कहलाएगी। हम इसकी मिसालों के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर परिंदा है, परिंदे हैं। यहाँ पर वाहिद में क्या है, परिंदा, और जमा में बहुत सारे परिंदे। अब आगे यहाँ पर एक पौधा है, बहुत सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं। पौधा क्या है, ये वाहिद है, उसकी जमा पौधे, पौधा पौधे ये जमा है। तारा यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। तारा क्या है, ये वाहिद है, और तारे झिलमिलाते बहुत सारे तारे ये जमा है, तारा तारे। यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है, यहाँ एक से ज्यादा लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वाहिद क्या है, लड़का लड़के यानी लड़का लड़के। आगे यहाँ पर यह है शजर अजजार, शजर के माने होते हैं दरख्त के, और अजजार उसकी जमा है, शजर अजजार। वाहिद एक शजर है, अजजार यानी एक से ज्यादा पेड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तीन पेड़ दिखाई दे रहे हैं, दरख्त दिखाई दे रहे हैं, ये अजजार कहलाएंगे, शजर अजजार। अब यहाँ पर मजीद मिसालों के जरिए देखते हैं। मिसालें एहसान एहसाना, किताब खुतुब, उस्ताद असातिज़ा। और यहाँ पर देखते हैं और मजीद मिसालों के जरिए, यहाँ पर वाहिद में है चूड़ी चूड़ियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ। बच्चों एक बात बताऊँ, ये लास्ट में जो ये आता है, जो लफ्ज के लास्ट में, जैसे चूड़ी ये आया है, खिड़की ये आया है, कुर्सी ये आ गया लास्ट में, इनको सबसे आसान तरीका इसकी जमा बनाने का सबसे आसान तरीका ये है, चूड़ी ई को है ना, इसकी दूसरी शक्ल कैसी होती है, ई की दो नुक्ते वाला ई लिखते हैं, दो नुक्ते वाले ई को अलिफ और नून गुना जोड़ना है, तो इसकी जमा हो गई चूड़ियाँ। फिर खिड़की, मैंने यहाँ पर ए दो नुक्ते वाला ए बनाया, उसको अलिफ और नून गुना जोड़ा। फिर उसके बाद कुर्सी, उसको भी ई दो नुक्ते वाला ई बना के अलिफ और नून गुना जोड़ा। यानी लास्ट जिस हरूफ लफ्ज के आगे ई आता है उसको दो नुक्ते वाला ई बनाना है और उसको अलिफ और नून गुना जोड़ के उसकी जमा बनाना है, एकदम आसान तरीके से ये बन जाएगा। अब आगे तोता वाहिद है, तोते जमा। खाना वाहिद है, खाने जमा। बकरा वाहिद है, बकरे जमा। अब इसको भी बनाने का सबसे आसान तरीका, जिन अल्फाजों के लास्ट में अलिफ आता है, जैसे तोता खाना बकरा, अलिफ आया ना लास्ट में, सब में अलिफ आ रहा है बराबर, वो अलिफ को हटाकर वहाँ ए जोड़ना है, बस उसकी जमा बन जाएगी। अलिफ को हटाकर उसको ए जोड़ना है, उसकी जमा बन जाएगी। जैसे तोता लास्ट में अलिफ आए, उसको हटा के मैंने तोते लिखा। खाना, उसका अलिफ हटा कर मैंने ए जोड़ा, खाने बन गया। बकरा, उसमें भी अलिफ है, अलिफ को निकाल कर मैंने क्या जोड़ा, ए जोड़ा, वो भी क्या हो गया, ये यानी इसकी जमा हो गई। सबसे आसान तरीका इनको पहचानने का, जब लास्ट में ई आता है कोई लफ्ज़ के, तो उसको ई को अलिफ और नून गुना जोड़कर उसकी जमा बनाएंगे। जहाँ पर अलिफ आएगा उसको निकाल कर वहाँ ए जोड़ेंगे तो उसकी जमा बन जाएगी। और बाकी मज़ीद देखते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनको ही आगे पीछे करके उनमें जमा तैयार किया जाता है, जैसे यौम, वहाँ पर अलिफ जोड़ने के बाद अयाम बना। वक्त अवकात, अमल
आमार, हाल हालात। तो इस तरीके से आप तरीका ध्यान रखकर उस पर अमल करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपसे कभी नहीं छूटेगा। और ये तरीके से वो सवालात का पर्चा हमेशा सेमेस्टर में हो या फाइनल में, ऐसे सवालात कंपलसरी आते हैं। इसको सबसे आसान तरीका, पहचानने का तरीका ये आता है तो अलिफ और नून गुना जोड़िए, अलिफ आता है तो ए जोड़िए तो उसकी जमा बन जाएगी। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ये अगर ये तरीक़ेकार से अगर आप वाहिद जमा को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपसे सवाल कभी नहीं छूटेगा। उम्मीद है आप सबको इस पसंद आया होगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।